व्यूअर्स, इस टाइम पर जिस जगह पर मैं मौजूद था इस घर के, ये इसका कॉर्नर वाली साइड का गेट था। यानी अगर आप एक प्रॉपर डबल यूनिट 7 मरला का घर ढूंढ रहे हैं जिसकी एक साइड एंट्रेंस हो और कॉर्नर का घर हो जिसमें आपको दो दो पोर्चेस मिले और प्रॉपर डबल यूनिट भी हो, तो दिस इज़ द हाउस फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल इस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और आज मौजूद हूँ बहरिया टाउन फेज़ 8 इस्लामाबाद की एक प्राइम लोकेशन के ऊपर और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रीट के ऊपर, जिसमें ये कॉर्नर कैटेगरी का 7 मरला का घर है जो कि प्रॉपरली डबल यूनिट है, 5 बेडरूम है और आप इसके साथ जो लैंडस्केपिंग एरिया है वो देख सकते हैं कि किस कदर ज़्यादा है। ये सारी स्ट्रीट में व्यूअर्स कॉर्नर का ये घर बनाया गया है और उसके पीछे ये 5 बेडरूम की अकोमोडेशन है। सबसे पहले लोकेशन की अगर बात करते हैं तो आपके पास कमर्शियल एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, साथ आपके पास पार्क ऑन द लेफ्ट साइड है और फुटबॉल फील्ड भी बिल्कुल आपके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, फिल्ट्रेशन प्लांट बिल्कुल साथ है। और अगर इस घर की डिमांड की बात करें व्यूअर्स, तो सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख रुपया इस 5 बेडरूम बहुत ही एलिगेंट डबल यूनिट कॉर्नर घर की डिमांड है। अभी जल्दी से बढ़ते हैं व्यूअर्स इस घर के अंदर और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। मॉडर्न लाइंस के अंदर बनाया गया है और उसके साथ आपके पास व्यूअर्स एंट्री स्पेस पे ही मौजूद है ये खूबसूरत टीवी लाउंज, जिसके अंदर आपके पास डायरेक्ट कनेक्शन है पोर्च के साथ और आपके पास ड्राइंग स्पेस है जिसका अलग से रास्ता है पोर्च से, और आपके पास एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है और आपके पास ओपन इटालियन स्पेस के अंदर यहाँ पर किचन भी डिज़ाइन किया गया है। व्यूअर्स, इस घर का सबसे बड़ा फीचर मैं आपको बता चुका हूँ कि क्योंकि ये घर डबल यूनिट है और कॉर्नर है तो आप लोग यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। और ये देखो कितना बड़ा पोर्च है, यानी आराम से कौन से एक चुटकू या बड़ी सेडान भी यहाँ पर आ सकती है। और अगर आप इस घर को ऊपर वाला पोर्शन रेंट पर देते हैं या नीचे वाला पोर्शन रेंट पर देते हैं तो दोनों के पास एग्रीगेटेड प्राइवेसी है कि वो अपनी फैमिली के साथ आराम सुकून से रह सकें विदाउट इंटरेक्टिंग, जो आजकल का माहौल चल रहा है। उसके साथ व्यूअर्स ये डोर आप क्लोज करते हैं तो आपके पास पूरी स्पेस बड़ी क्वाइट है। और कॉर्नर घरों का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके पास बड़ी बड़ी विंडोज होती हैं तो लाइट सोर्सेज बड़े अच्छे होते हैं घर के अंदर। ऊपर की तरफ सीलिंग डिजाइन आपके पास बड़ा मिनिमल और अच्छे एस्थेटिक्स के अंदर, 5 ब्लेड वुडन फैंस, आपके पास शैंडलियर, बहुत ज़बरदस्त फ्लोटिंग मीडिया वॉल है जिसमें बहुत अच्छा वुडन पैनलिंग का काम किया गया है। और ओवरऑल अगर स्पेस एस्थेटिक्स की बात करें या स्पेस यूटिलाइजेशन की बात करें तो दिस इज द परफेक्ट लाउंज जहां पे आराम से एक बड़ी फैमिली अकोमोडेट हो सकती है। फ्रेंच मोल्डिंग वर्क है, थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम वर्क है। और ये व्यूअर्स इसका ड्राइंग स्पेस है जिसमें बहुत बड़ा ये कमरा रखा गया है ताकि आराम सुकून से 7 मरला के हिसाब से इधर अगर मेहमान आप बिठाते हैं तो वो लोग अकोमोडेट हो सके। बड़ी अच्छी स्पेस यूटिलाइजेशन इन्होंने एक और जगह पर भी की है, एक तो सिक्योरिटी ग्रिल्स लगाई हैं, दूसरा ये वॉशरूम कॉमन है इस कमरे के साथ, तो आपके पास काफ़ी कमरों की स्पेस जो है वो इन्हेंस हो गई है। ये वॉशरूम है व्यूअर्स जो कि कॉमन दिया गया है, जिसमें आपके पास जो टाइल वर्क है इंतहाई ग्लॉसी नीट फिनिशिंग के अंदर बहुत अच्छा। आपके पास ये शॉवर सेटअप है, काफ़ी चौड़ा इसका बूथ है। उसके साथ आपके पास यहाँ पे कमोड है और राइट साइड पे व्यूअर्स आपके पास वैनिटी सेटअप है। और अभी यहीं से आप दूसरे बेडरूम के अंदर एंटर हो जाते हैं जिसमें आपके पास सेम टाइप ऑफ स्पेस है, यानी कमरों का साइज बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बल्कि उसके साथ एक विंडो भी प्रॉपरली दी गई है जिससे आपके पास लाइट और वेंटिलेशन सोर्स बहुत अच्छा बन जाता है। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स वॉक इन क्लोजेट दिया गया है इस कमरे को, जो कि एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है। और इसमें टेक्सचर्ड वार्डरोब स्पेस यूज की गई है। ऑन द लेफ्ट व्यूअर्स आपको दिखाता चलूँ तो एक बेडरूम ये मैंने आपको दिखाना है और दूसरा इसके साथ एक किचन स्पेस है। किचन स्पेस बड़ी यूटिलाइज्ड, बड़ी अच्छी से है, यानी लेफ्ट साइड पे आपके पास रेफ्रिजरेटर, साइड बाय साइड फ्रिज रखने की जगह है, आपके पास यहाँ पर नीचे भी कैबिनेट्स हैं या स्टोरेज स्पेसेस हैं, आपके पास विंडो है पांडे तोने वाले सेटअप के बिल्कुल साथ, तो आपके पास हमेशा से व्यू रहने वाला है। ऑल यू हैव टू डू इज टू कवर इट ताकि प्राइवेसी रहे। ओवरऑल अगर देखें तो बड़ी अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन और बड़ा अच्छा व्यू आपको हमेशा से देखने को मिलेगा। उसके साथ सीमलेस फ्लो कैबिनेट्स हैं ग्लॉस में, यानी इसके अंदर कोई हैंडल नहीं है। सेम गोज विद ये वाली स्पेस भी, नो हैंडल्स। आपके पास बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की कैबिनेट्स हैं ग्लास की भी,
ग्रेनाइट काउंटर टॉप और नीचे की तरफ भी काफ़ी स्टोरेज स्पेस आपके पास यहाँ पर मौजूद है। नैस गैस का हुड प्लस आयरन मैन हॉब भी आपको मिलेगा। आई थिंक ये जेस्चर कंट्रोल है, बिल्कुल ये इसी तरह ओपन हो जाएगा, इसी तरह आप इसको बंद कर सकते हैं। इसके साथ व्यूअर्स एक मिनट बंद कर लवा, ये देखिए इसी तरह खुल जाता है, या मैंने इसको बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली अब बंद हो जाएगा। अच्छा, ये इसके तीन चार ऑप्शंस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे को बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं था पता। लेफ्ट साइड पे आपके पास है इसका एक और बेडरूम विच इज़ द मास्टर बेडरूम, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और इसके साथ जो टाइल वर्क है नीचे उसके ग्रेन्स आप देख सकते हैं, 2x4 की टाइल है, मोल्डिंग वर्क है अलॉन्ग विद द ब्यूटीफुल सीलिंग जो कि ऊपर दी गई है आपको, बड़ी मजेस्टिक और बड़ी नाइस। वार्डरोब स्पेस भी अलग से है और ये व्यूअर्स इसका वॉशरूम स्पेस है भाई, क्या बात है। इसको लाइट भी हम ऑन कर सकते हैं, बैकलिट मिरर है, वैनिटी सेटअप है, शॉवर सेटअप है और उसके साथ आपके पास कमोड सेटअप है और टाइल वर्क ऊपर ऊपर तक है। तो व्यूअर्स ये इसका ग्राउंड फ्लोर का विजिट था, अभी जल्दी से मैं आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ और फिर इस वीडियो को समराइज करते हैं। व्यूअर्स एंटर हो चुके हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और ऑल यू हैव टू डू इज कि अगर आप ये डोर क्लोज कर दें तो छत पे जाने का रास्ता भी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और ये आपको एक अच्छी सी लॉबी स्पेस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसको खोल के एंटर होते हैं तो वो ये वो स्पेस है बेसिकली जो आपका फर्स्ट फ्लोर है और भाई मैजिकल है, यानी आपके पास टीवी लाउंज है जिसमें आपको स्काई लाइट मिलेगी डबल हाइटेड, आपके पास एक मास्टर बेडरूम है, आपके पास एक बेडरूम ये है और आपके पास एक बेडरूम ये है, यानी तीन बेडरूम्स, टीवी लाउंज स्पेस और इतना बड़ा किचन भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप पूछें तो ऊपर वाले फ्लोर में भाई बहुत कुछ है, चंगा भला रेंट आ सकता है। उसके साथ व्यूअर्स लेफ्ट साइड पे आपके पास कैबिनेट स्पेस, आपके पास बहुत अच्छा वैनिटी सेटअप, उसके साथ आपके पास मुख्तलिफ कैबिनेट्स जो नीचे मैंने आपको दिखाई थी, बल्कि ये किचन उससे भी थोड़ा साइज में बड़ा है, उसमें भी हुड और हॉब जो है वो द परफेक्ट किचन मास्टर का लगाया गया है। फ्रिज स्पेस आप यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं, टाइल वर्क तकरीबन सेम है पूरे घर में, ये बड़ा अच्छा मुझे एंट्री पॉइंट लगा डेकोरेटिव। और ये क्या ज़बरदस्त चीज़ है भाई, ओए होए 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 व्यूअर्स, एक तो स्काई लाइट है, ऊपर आप इमेजिन करें कि बारिश हो रही हो तो इतने बंदा सोफा ला के बैठा हुआ है और सामने व्यूअर्स बंदा देख रहा हो इसका टीवी स्पेस या मीडिया वॉल जो कि बड़ी अच्छी डेकोरेटिव है, पीछे बैकलाइट भी है, तो कितना ज़बरदस्त माहौल बनेगा इस 7 मरला के घर के अंदर। कमरे देख लेते हैं जल्दी से, जिसमें आपके पास ये रूम है, उसके साथ आपके पास अच्छी खासी स्पेस है, ओवरऑल काफ़ी अच्छी हाइट है सीलिंग की, विंडो आपको फ्रंट पे मिलती है विद ग्रिल्स, आपके पास व्यूअर्स टेरेस भी है इसमें जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी स्पेस नहीं है लेकिन शाम के टाइम खड़े होने के लिए, चाय कॉफ़ी के लिए इट्स अ गुड स्पेस। उसके साथ व्यूअर्स आपको मिलता है इसका ये वॉक इन क्लोजेट, जिसमें हाइटेड आपके पास वार्डरोब है और ये वॉशरूम है, ओए होए 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 ब्यूटीफुल, यानी आपके पास वैनिटी सेटअप है वाइट, पीछे कितने ज़बरदस्त गोल्ड फ्लेकिंग टाइल, गोल्ड फ्लेक टाइल्स हैं, आपके पास ये शॉवर भी अच्छा खासा लगाया गया है, उसके साथ यहाँ पे कमोड सेटअप है जिसमें बहुत अच्छे ग्रेन्स हैं टाइल के, तो ओवरऑल एक स्क्वेयर्ड वॉशरूम को बड़ा अच्छा मेंटेन किया गया है। इस साइड पे आते हैं व्यूअर्स, तो आपके पास एक बेडरूम ये है, अगेन एक नाइस स्पेस, उसके साथ आपके पास विंडो है फॉर द व्यू, वॉक इन क्लोजेट स्पेस और ये इसका वॉशरूम यहाँ पर दिया गया है, बहुत अच्छे एस्थेटिक्स, बड़े सिंपल फ्लो के अंदर साइडवेज ये वॉशरूम बनाया गया है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्यूअर्स, ये एक बेडरूम है जो मैंने आपको दिखाना था, इसमें आपको मिलता है ज़बरदस्त किस्म का फ्लो बेडरूम का, अच्छा खासा साइज है, इसमें आपको मिलेगा वॉक इन क्लोजेट विद अ विंडो और ये व्यूअर्स इसका वॉशरूम स्पेस है, वेरी नाइस, सिंपल और येट बहुत एलिगेंट, ऊपर ऊपर तक टाइल वर्क और ग्लॉसीनेस भी। तो व्यूअर्स ये इस घर का एक कंप्लीट रिव्यू था, इसकी छत पर आपको मिलता है इसका सर्वेंट क्वार्टर और इसके साथ उसको आप स्टोर रूम भी बना सकते हैं और उसके साथ इसका वॉशरूम, बड़ी अच्छी लोकेशन पे, बड़े कॉर्नर एस्थेटिक्स पे और बड़ी ज़बरदस्त कैटेगरी वाले प्लॉट पे इस घर को बनाया गया है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करने के बाद इस घर की कोई ना कोई डील बना सकते हैं और इस घर के विजिट्स प्लान कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।